राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल मॉडेस्ट व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज की जो मेरी रेमेडी है वो है हेयर ऑयल पर, जो कि होगी एलोवेरा हेयर ऑयल। तो चैनल पे बने रहें और जल्द से जल्द मेरे चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी जो रेमेडी है उसमें मुझे नीड है एलोवेरा की, जिसको मैंने कट पीस कर लिया है, अनियंस के पीसेस किए हैं, यहाँ लिए फेनोग्रीक सीड्स और ये हैं करी लीव्स, ठीक है। तो साथ में मैंने लिए है बजाज का कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत ही बढ़िया, इसे मैंने एक कंटेनर में एक अच्छे से भर कर रखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे यूज़ में लिया जाए, और मेरा ऑयल भी ख़त्म हो चुका था तो इसलिए मैंने इसे बनाना स्टार्ट कर दिया, और ये वीडियो की वीडियो भी बन जाएगी। तो यहाँ मैंने गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखा है और मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में क्या करूँगी कि जो मेरा ये कोकोनट ऑयल है, इसे मैं इसमें कुछ चम्मच जितनी मुझे नीड है उतना मैं डाल के इसे फ्लेम बिल्कुल कम फ्लेम के ऊपर इसे रख दूँगी, ठीक है। इसे हमें पूरा गर्म जलाना ऐसा नहीं करना है, और जैसे ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगेगा इसी में हमें क्या है, जो भी हमने मटेरियल लिया है वो सब हम धीरे धीरे इसमें डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करती हूँ, मैंने यहाँ फेनोग्रीक सीड्स लिए हैं, मेथी दाना, इसे मैं इसमें डाल दूंगी। साथ में यहाँ मैंने एलोवेरा के कुछ कट पीस किए हुए हैं, उसे भी एज इट इज डाल दूंगी। ये करी लीव्स हैं जो फ्रेश हैं, इनको भी मैंने इसमें डाल दिया, और ये हैं अनियंस के पीसेस। तो इन सबको इसमें अच्छे से डाल के इसे मिक्स कर देना है। तो इसे अभी जलाना नहीं है, इसे बिल्कुल कम फ्लेम पर रखना है, ठीक है। अभी इसे मैं अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी, ये सारा कम फ्लेम पर है तो ये धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा और इसमें जलना सिकना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी, ये मेरा ना 100% रिजल्ट वाला हेयर ऑयल है। इसे मैंने इतना आजमाया है, मैंने कम से कम 3-4 महीने इसका एक्सपीरियंस अपने खुद के हेयर पर लिया है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मेरे हेयर ग्रोथ देख सकते हो। तो मतलब कि अगर आपने केराटिन स्मूथनिंग कुछ भी करवाया तो उसमें ये हेयर ऑयल इतना बेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा। अब देखो मैं इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, और मैं साथ साथ आपको टिप भी बताती रहूँगी कि हमें इसे एक दिन पहले, जैसे नाइट में आपको अच्छे से बालों में मसाज कर लेनी है इसकी, है ना, अच्छे से बालों को अच्छे से गूंथ के, अच्छे से मैं पूरी मसाज करके और इसे ढक के अपना आराम से पूरी नाइट आपको रखना है इसे। और नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, इसे वॉश कर देना है। नॉर्मल अपने किसी भी शैम्पू से आप इसे वॉश कर सकते हो। हफ्ते में आप अच्छे से अच्छे, अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए आपको, रिजल्ट चाहिए इसका, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको हफ्ते में 2-3 बार इस ऑयल को यूज़ में लेना है, ठीक है। और ये देखिए मैं इस तरह से, मतलब इसको अच्छे से, मैं अभी कम फ्लेम पर है और ये तेज होने पकने लगा है, तो मैं इसे अच्छे से इसमें मिक्स करती रहूँगी, और जब तक ये सारा जल ना जाए, मतलब कि जैसे करी लीव्स है, फेनोग्रीक सीड्स हैं, जो फेनोग्रीक सीड्स हैं वो हमारे मेथी दाना बिल्कुल नीचे की तरफ तवे पर लग जाते हैं, तो क्या है कि वो जलते जाएंगे, धीरे धीरे गर्म सिकते जाएंगे, और जब तक ये अनियंस और जो भी हमने इसमें मटेरियल डाला ना, ये बिल्कुल ही, मतलब अपना जितना भी इसका रस होता है वो सारा इसके अंदर छोड़ देगा, है ना। और ये पूरा जलाना है हमें, लेकिन जलाना इसे हमें कम फ्लेम पर है, ज़्यादा तेज पर नहीं। इस तरह मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी, ये मेरा 101% अच्छा बेस्ट रिजल्ट देने वाला हेयर ऑयल है। तो मैं चाहूँगी, मैंने अगर अपने क्या है हेयर पर इसे यूज़ भी लिया तो आप सब भी लें। तो यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल ही कम कर रखा था, तो यहाँ बच्चा मस्ती कर रहा था बेटा मेरा, तो उसने आके अब वो भी बीच में लग गया कि मम्मा मैं भी देखूंगा, मैं भी यूज़ में लूँगा, मैं भी कुछ करके देखूंगा, वो सीखना चाह रहा था। तो आजकल उसको बहुत इंटरेस्ट है मेरी रेसिपी में, हर चीज़ कुकिंग में मेरे बीच इंटरफेयर करता ही करता है। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से, शूट भी मेरा वही कर रहा था मेरा कैमरामैन वही है। तो यहाँ देखिए ये ऑयल मैंने बिल्कुल कम फ्लेम पर रखा हुआ है, और यहाँ पर देखा आपने कि बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, है ना, जैसे ये बबल्स आने लगे हैं, और जो अनियंस हैं ये भी गोल्डन ब्राउन आने लगे हैं। तो हमें इसको बिल्कुल ही अब कम फ्लेम पर ही इतना जला देना है कि कम फ्लेम पर ही पके, कम फ्लेम पर पकना चाहिए, पूरा जल जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप देख ही रहे हैं, प्लीज़ इसका जो आप सब भी इसको यूज़ करेंगे ना, तो जो भी रिज़ल्ट मिलेगा प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे बहुत वेट रहेगा इस चीज़ के बारे में, सॉरी। सो देखते रहें, देखिए मैंने बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, ब्राउन क्या ये तो बिल्कुल ब्लैक होने लगा है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्लेम को कर दिया है बंद, गैस को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसे मैंने 5-10 मिनट बिल्कुल, क्योंकि ऑयल वैसे ही गर्म था तो उसमें ये और गर्म अच्छे से सिक चुका है। तो मैंने गैस फ्लेम को कर दिया है बंद, और इसे मैं 10-15 मिनट इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी।
ठीक है। देखिए बबल्स की, मतलब इतना बढ़िया है ना, अब देखिए बिल्कुल ना, मतलब 10-15 मिनट बाद जब मैंने इसे देखा ठंडा होने के बाद, तो ये बिल्कुल जल चुका था इस तरह से, है ना। तो आपको मैं ये ऑयल भी दिखा रही, इसका ऑयल का बिल्कुल कलर चेंज हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें डली है ना यार, ये बालों के लिए हमारे सबसे बेस्ट है, बेस्ट। मतलब आप चाहे जितने मर्जी आपने बालों के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करवाए हो, बट इससे अच्छा कहीं रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने इसमें बिल्कुल मैंने आपको कलर इसका दिखाया कि किस तरह का हो चुका है। तो यहाँ ये पूरा मेरा नारियल जो ऑयल है, होम रेमेडी है, ये मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में, मतलब कांच का जो कटोरी टाइप कुछ ऐसा होगा, बाउल वगैरह, उसमें इसे सर्व करना है। इसे मैं एक छन्नी से छान लूँगी। इसे धीरे धीरे मैंने इसे छान लिया, और इसे आप 2 से 3 महीने आप आराम से इसे ना कंटेनर में सेव करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। और गर्मियों में तो वैसे भी मेल्ट होता रहेगा, तो और भी बेस्ट ही रहता है, क्योंकि ग्लास जो रहता है कांच का, उसमें ये सर्व करके रखते हैं तो ये सेफ भी रहता है और अच्छा ही रहता है। मतलब अगर आप इसे धूप में भी कंटेनर को रख दोगे तो ये और बेस्ट रिजल्ट आपको देगा ही देगा। यहाँ मैंने इसे सब कुछ छान लिया है, लेकिन जैसे ही कुछ मटेरियल भी बच जाता है तो इसे भी मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि इसको मैं किसी कप पे रख कर, है ना, तो इसको मैं धूप में रख दूंगी, ताकि इसमें कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी इसका जूस कुछ रह रहा होगा तो वो भी सारा छन कर कप में इकट्ठा हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही महंगा हेयर ऑयल मेरा बन चुका है ना। वैसे इतना महंगा नहीं है, घर में ही सब चीज़ें थी और इजीली हमारे घर में अवेलेबल होती ही होती हैं, तो आप इसको आराम से, लेकिन हमारे लिए अगर छोटा छोटी भी चीज़ें होती है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट होती है ना, तो इसमें वेस्ट नहीं करूँगी, तो इसको भी मैं यूज़ में लूँगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से छान लिया, बट इसमें कुछ कुछ ड्रॉप्स अभी थे, तो मैं क्या करूंगी, अब इसे कप के अंदर छान लूंगी और इसे मैं ऐसे ही कवर को रख दूंगी, और इसमें से जो भी तेल नाइट तक में छनेगा या कुछ भी, तो वो मैं नेक्स्ट डे भी अपने यूज में इजीली ले सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको छान लिया है। आपको किसी तरह का भी कुछ लगे तो आप मेरे मॉडेस्ट PB03 जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा शालिनी राजपूत के नाम से है, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको किसी तरह का भी कुछ एडवाइस चाहिए हो या कुछ भी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कीजिए मुझे, और मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी तो आगे से आगे अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली में सबसे मेरी वीडियो को शेयर करें, और आप सबकी मुझे हेल्प की बहुत नीड है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और जल्द से जल्द मैं मोनेटाइज की भी वीडियो आप सबके लिए लाऊँगी। और ये थैंक यू सो मच आप सभी का, क्योंकि ये सब भी आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि आप सब मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देते हो, जिस वजह से मेरे को आज चैनल मेरा बहुत जल्दी मोनेटाइज हो चुका है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको कवर में कर दिया है, और यहाँ पर जो मेरा ऑयल बन चुका है उसे मैंने सेफली इस ग्लास कटोरे बाउल में रख दिया है। तो अब मैं इसको पर डे अपने यूज़ में लेती हूँ। मैं बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं 2-3 हफ्ते में 3 दिन तो इसको यूज़ में लेती ही लेती हूँ। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। राधे राधे।